सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 10वां नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, भगिनी निवेदिता निवेदिता सिस्टर, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो यहाँ की भी थी, विदेशी होते हुए भी अपने यहाँ पर भारत में आई और उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए जिसके कारण हम भारतवासी उनके ऋणी हैं और उनको याद करते हैं। तो उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए, उनका जीवन परिचय क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अपने देश में बहुत कुछ कर्ज गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अर्थात हमारे देश में बहुत सारी नारियाँ थी, वीरांगनाएं थी, जिन्होंने हमारे देश के लिए, मर मिटने के लिए बहुत सारे कार्य किए और अपना त्याग बलिदान दिया। जैसे झांसी की रानी को अपन याद करते हैं, तो वैसे वैसे बहुत सारी मर्यादी वीरांगनाएं थी, उन्होंने अपना बलिदान देकर अपने प्राणों की रक्षा, प्राणों की आहुतियाँ देकर अपने राष्ट्र की और अपने मातृभूमि की रक्षा की थी। तो ऐसी बहुत सारी हैं नारियां हमारे देश की, पर यहाँ पर देखिए, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अब विदेशी महिला यानी कि जो भारत की ना होते हुए भी यहाँ पर भारत में आकर अपने देश के लिए कुछ करा उन्होंने। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिला को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। अब किसके आह्वान पर आई थी निवेदिता सिस्टर? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जो अपना हिंदू धर्म के प्रतीक, अर्थात अपने राष्ट्र का प्रतीक, जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो वहाँ जाकर अपने धर्म की और अपने राष्ट्र की, अपने मातृभूमि के बारे में जो कुछ कहना था, तो उसके लिए धर्म गुरु के, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सम्मान प्राप्त किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ख्याति प्राप्त करी थी विवेकानंद ने। तो वहाँ से वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे और वहाँ से वह अलग 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 राष्ट्रों में जाकर अपने राष्ट्र के धर्म, राष्ट्र धर्म के बारे में सबको, सब जगह उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो वहाँ पे आयरलैंड में भी गए होंगे, तो वहाँ जाकर उन्होंने लंदन जाकर उन्होंने उनकी भेंट निवेदिता सिस्टर से हुई थी। तो वहाँ जाकर उन्होंने उनका आह्वान किया था कि आप यहाँ पर हमारे देश में जो, क्योंकि निवेदिता सिस्टर थी, उनको पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में और दूसरों को पढ़ाने में बहुत रुचि थी। तो विवेकानंद जी के आग्रह पर वह भारत आई और भारत की बाद में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया उन्होंने। उनका जन्म, अर्थात निवेदिता सिस्टर का जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। अब उनका जीवन परिचय क्या था कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। अब उनके माता पिता का नाम, उनका पूरा नाम तो क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और वह माँ का नाम मेरी इसाबेला था। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। अब हैमिल्टन जो उनके नाना था, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, क्योंकि उनके बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। अर्थात जिस प्रकार से अपन अंग्रेजों से लड़ाई करने, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे आयरलैंड में भी अपने देश की रक्षा यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहाँ पे प्रमुख नेताओं में इनके नाना थे, वो भी सक्रिय थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, शिक्षण का कार्य अर्थात पढ़ाना अच्छा लगता था। वह 17 वर्ष की उम्र में एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लिया करती थी। अब उनको दूसरों को शिक्षा देना भी अच्छा लगता था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया था और स्वयं के द्वारा, अपनी शिक्षण पद्धति द्वारा ही वह दूसरों को शिक्षा देती थी। साथ ही साथ उनकी धर्म में भी रुचि थी, तो वहाँ पर भी धार्मिक कार्य में भी वह अधिकांश हिस्सा लेती थी। इसके साथ साथ ही अधिकांश समय उनका अध्ययन में, मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड गए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं पर हुई थी, अर्थात इंग्लैंड में। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में ही ये भगिनी निवेदिता सिस्टर और स्वामी जी की, दोनों की भेंट हुई थी।
अब मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर उनके कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। अब दोनों के बीच में यानी कि स्वामी जी और भगिनी सिस्टर निवेदिता के बीच में मार्गरेट, जिनका नाम मार्गरेट था, तो उनके बीच में बहुत सारे तर्क वितर्क हुए और उनकी संतुष्टि प्राप्त हुई उनको, तभी जाके उनको अपना आदर्श माना किसको, स्वामी जी को, और फिर उनके आग्रह पर वह भारत आई। भारत आकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की कुटिया में दो अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया निवेदिता, नया नाम निवेदिता दिया, अर्थात यहाँ से स्वामी जी ने उनको नाम क्या दिया, निवेदिता। पहले क्या था, मार्गरेट एलिजाबेथ वोलन था, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था पहला नाम, और निवेदिता नाम किसने रखा, स्वामी विवेकानंद ने। और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन समर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी प्रारंभ किया। वह छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया। जब कलकत्ता में महावार फैली तो निवेदिता ने टोली बदलकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना ही रोगियों की सेवा की, साफ सफाई आदि कर कार्य करके पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में भी निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। अब निवेदिता सिस्टर थी, वह भारत आई तो भारत में क्या क्या किया, उन्होंने पहले तो वहाँ जाकर जन जन में उपदेश दिए स्वामी जी के, उसके साथ साथ ही कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी प्रारंभ किया, उनको पढ़ाने लिखाने का कार्य किया, साथ साथ ही उनको दूसरा भी कार्य यानी कि जो जिनसे इनकम हो, आय के स्रोत बने, वैसे भी कार्य उनको सिखाए। अब कुछ समय तक तो वहाँ पर रहे और फिर कलकत्ता में महामारी फैल गई तो महामारी में भी पीड़ितों की सेवा उन्होंने की। साथ ही साथ वो पढ़े लिखे थे तो पत्र पत्रिकाओं में भी उनका कुछ समाचार पत्रों में भी अपील करके उन्होंने धन संग्रह करके इन पीड़ितों के लिए सहायता मांगी। उन्होंने बोलने में निपुण थी तो उसका उपयोग कर वह बड़े बड़े समूह तक वह अपनी बात पहुंचाने में भी सफल रहती थी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्व व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में समर्थन करने लगी। अब वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज हैं वह भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनकी बर्बरता को उससे सहन नहीं हुई तो वह स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धि विश्व पटल पर रखी। महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। अब उन्होंने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा भाव, ममत्व आदि की प्रति मूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाई के वीरतापूर्वक कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। अब उनको यहाँ की स्त्रियां थी, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही उनको जो जैसा आदरपूर्ण सम्मानपूर्वक व्यवहार था, उनमें लज्जा थी, स्वाभिमान था, वह उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनको वह अधिक प्रभावित हुई। इसके साथ साथ ही यहाँ की जो वीरांगना थी उनकी भी जो कहानियाँ थी तो वो भी उनको अच्छी लगती थी, तो उनके साथ साथ ही उनकी उनके उनको याद करके वह अपने वीरतापूर्वक कार्यों को वही याद उनकी वीरताओं की कहानियाँ भी याद दिलाती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हो। उन्होंने भारत के लिए जो कुछ किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की आयु में ही उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई यहाँ से सर्वत्र विदा हो गई। अर्थात 44 वर्ष की 44 वर्ष की आयु में ही उनका भी देहांत हो गया। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है और इसकी जो पीडीएफ है प्रश्न उत्तर की वह आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।